पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल पूरे शबाब पर है। इसी बीच वोट को लुभाने की खातिर तमाम पार्टियां बड़े बड़े दावे कर रही है। वहीं चुनाव के मद्देनजर पुष्कर सिंह धामी ने भी बड़ा दाव खेला है। दरअसल उन्होंने शनिवार यानी आज प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर बड़ा ऐलान किया। दरअसल सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर कहा कि आगामी नई बीजेपी सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद न्यायविदों, सेना वृद्धजनों, समाज के प्रबुद्ध जनों और अन्य लोगों की एक कमेटी गठित करेगी। उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता का मतलब है विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक समान नियम होना। दूसरे शब्द में कहें तो परिवार के सदस्यों में आपसी संबंध और अधिकारों को लेकर समानता होना। जाति, धर्म, परंपरा के आधार पर कोई रियायत न मिलना। इस वक्त हमारे देश में धर्म और परंपरा के नाम पर अलग नियमों को मानने की छूट है। वहीं किसी समुदाय में पुरुषों को कई शादी करने की इजाज़त है तो कहीं कहीं विवाहित महिलाओं को पिता की संपत्ति में हिस्सा न देने का भी नियम है।